कहानी की शुरुआत में हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। पूरी जमीन बंजर हो चुकी थी सिवाय ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके के जिसका नाम था ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर्स। यहाँ की जमीन में पानी बचा था, खेती करके फल उगाए जाते थे और यहाँ बहुत सी औरतें भी रहती थीं। इस इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की एक पके हुए फल को लेने के लिए जब आई तो उसे अपने इलाके के पास कुछ हलचल सुनाई दी। करीब जाकर देखा तो वहाँ बहुत से बाइकर्स थे जिसमें से एक के बाइक का ऑयल पाइप फ्यूरियोसा काट देती है और जैसे ही दूसरी बाइक का पाइप काटने वाली होती है तो दूसरा बाइकर उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, फ्यूरियोसा उसके टांग में कोई नाइफ स्टैब करते हुए वहां से भाग गई। भागते हुए उसने जोर जोर से सिटी बजाना शुरू कर दी थी जिससे उस इलाके के लोगों को वहां आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो भी बचकर आबादी वाले इलाके में पहुंच पाती, बाइकर एक रोप उसकी तरफ उड़ाते हुए उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और ये लोग फ्यूरियोसा को उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा की मॉम और वहां के सारे वॉरियर्स अपने घोड़ों पर सवार फ्यूरियोसा को बचाने के लिए इन बाइकर्स का पीछा करने लगे थे। घोड़े पे सवार ही फ्यूरियोसा की मोम चलते ही बाइक के ऊपर से बाइकर का गला काट देती है जिसके बाद उन्होंने उसका ये बाइक ले लिया। इससे पहले कि इसी बाइक के जरिए वो फ्यूरियोसा को बचाने के लिए निकल जाती, इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और ये याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी हो जाए दूसरे इलाके के लोगों को ग्रीन प्लेस का पता नहीं चलना चाहिए और जो लोग ग्रीन प्लेस देख चुके हैं उनमें से कोई जिंदा ना बच पाए। ये सुनते ही वो तेजी से आगे निकल जाती है और गन से हमला करते हुए एक बाइकर को मार डालती है। उसके आगे वाले दो बाइकर्स रुककर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, वो बाइकर क्यों गया। तो इन्हें अब दूर से आती फ्यूरियोसा की मोम दिखाई दे रही थी। डरकर इन्होंने अपनी बाइक्स दौड़ा दी जबकि फ्यूरियोसा ने मौका पाते ही उस बाइक का ऑयल पाइप काट दिया था जिस पर उसे बांधा गया था। फ्यूरियोसा की मोम उस मरे हुए बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट से अपना बाइक ठीक करती है और उस बाइक का सारा फ्यूल अपने बाइक में डालते हुए दोबारा बाइकर्स के पीछे लग जाती है। चलते चलते अब रात भी हो चुकी थी। बाइकर्स ने जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा हुआ था उस बाइक का फ्यूल भी खत्म हो जाता है क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसका फ्यूल पाइप चुकाट दिया था। ऐसी हालत में ये दोनों बाइकर्स आपस में लड़ पड़े और मौका पाते हुए फ्यूरियोसा अपने हाथ छुड़वाकर वहां से भाग निकली पर घर पहुंचने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि बाइकर्स उसे दोबारा पकड़ चुके थे जिसे लेकर वो दोबारा अपने इलाके की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मोहम बाइकर्स के कैंप तक भी पहुंच गई है जहां उन्हें ग्रीन प्लेस में आए हुए बाइकर्स और फ्यूरियोसा भी नजर आ गई। वो एक बाइकर को शूट करके मार देती है लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा को लेकर सही सलामत अपने कैंप में पहुंच जाता है और वहाँ लोगों को ये खुशखबरी देता है कि उन्हें ग्रीन प्लेस का पता चल गया। वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज और औरतें हैं। उसकी ये बात सुनते ही फ्यूरियोसा जान गई कि अब उसके इलाके और इलाके के लोगों को खतरा होने वाला है। ये जरूर अपने लोगों को ग्रीन प्लेस की लोकेशन बता देगा। इसीलिए फ्यूरियोसा होशियारी दिखाती है और इस आदमी के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। आखिर उसने और उसकी मॉम ने उन सभी बाइकर्स को मार दिया था जिन्हें ग्रीन प्लेस की लोकेशन पता थी। अब फ्यूरियोसा को ये बाइकर्स अपने लीडर के पास लेके जाते हैं क्योंकि वही है जो इन्हें ग्रीन प्लेस तक ले जा सकती है। बाइकर्स का लीडर चलाक था काफी, वो यहाँ खुद भी फ्यूरियोसा से अच्छा बिहेव करता है और सब लोगों को भी उसका ख्याल रखने को कहता है ताकि वो उसे झांसा देकर उससे ग्रीन प्लेस का पता चलवा सके। रात होने पर फ्यूरियोसा की मॉम भी इसी कैंप में आ गई। उन्होंने मरे हुए बाइकर के कपड़े उतार कर अपने आप को बिल्कुल उन जैसा ही बना लिया। वो यहाँ असल में फ्यूरियोसा को ढूंढने के लिए आई थी जिसे ढूंढने के लिए वो हर कैंप में जाते हैं और जहाँ उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलती वहाँ के सभी लोगों को शूट करके मार डालती है। जिसके बाद आखिर वो उस कैंप में भी पहुंच गई जहाँ फ्यूरियोसा थी। फ्यूरियोसा को लेने के बाद वो आखिरी लड़की को यहाँ मारने वाली थी लेकिन वो लड़की कहती है नहीं मुझे नहीं मारो, मैं भी तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ कैदी हूँ। ये सुनकर फ्यूरियोसा की मॉम ने उसे छोड़ दिया और अपनी बाइक पर फ्यूरियोसा को लेकर वहाँ से भाग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस लड़की पर वो रहम करके उसे छोड़ कर आई वही उसे फंसा देगी। वो जाकर अपना इमरजेंसी अलार्म बजा देती है और ऐसे बहुत सारे लोग फ्यूरियोसा और उसकी मॉम के पीछे पड़ जाते हैं। दूर से ही इन बाइकर्स ने उनके ऊपर बम से हमला किया जिसकी वजह से फ्यूरियोसा की मॉम के सारे कपड़े जल गए। जिस आग से बचने के लिए उसने अपने ऊपर पहना हुआ आर्मर सूट वहाँ उतारा और दोबारा बाइक पे बैठ कर जितना तेज। दोस्तों आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इससे हो सकता था उतनी तेजी से वहाँ से भाग गई। बहुत दूर निकलने के बावजूद भी बाइकर बिल्कुल उनके पीछे थे। फ्यूरियोसा की मॉम अब ये बात जान गई कि वो इनसे नहीं बच पाएंगी, इसलिए वो बाइक से उतरकर फ्यूरियोसा को बाइक दे देती है और उसे अकेले घर जाने को कहती है। साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक पीप सीट भी दिया और कहा
कि वापस जाकर इसे जरूर रुका देना। और खुद वो बाइकर्स को शूट करने के लिए यहाँ रुक गई, लेकिन कितने भी लोगों का अकेले मुकाबला करती वो, जल्द ही उसे सारे बाइकर्स घेर लेते हैं। फिर वो सभी इन्हीं लोगों के हाथ लग जाती है और आकर देखती है कि उसकी मोम को इन लोगों ने एक दरख्त से बांधा था, जिनको उसकी आंखों के सामने ही बेदर्दी से मार दिया जाता है। जिसके बाद बाइकर्स का लीडर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में बांध लेता है और उसे फोर्स करता है वो सब देखने के लिए जिसे वो अपनी एंटरटेनमेंट समझते थे। यहाँ उसने फ्रियोसा को अपनी बेटी का टेडी बियर भी दिया, जिसे फ्रियोसा ने गिरा दिया। उससे में बाइकर का लीडर उसे यहाँ से ले जाने को कह देता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था, जो फ्रियोसा को कहता है, अगर तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो तो तुम हमारे लीडर के लिए एक काम का बंदा बन जाओगी, ऐसे वो तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन फ्रियोसा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो चुपके से अपने हाथ के ऊपर टैटू बनाती है इस जगह से ग्रीन प्लेस तक का, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो एक ना एक दिन ग्रीन प्लेस वापस जरूर जाएगी। और उसे ये भी डर था कि कहीं उस वक्त तक वो रास्ता भूल गई तो, इसीलिए उसने पूरा रास्ता पूरा मैप अपने बाजू पे ही बना डाला। खैर वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि एक दिन ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे तो दूर उन्हें एक लाल धुआं उड़ता दिखाई देता है। उन्हें पता चला कि वहाँ लोग रह रहे होंगे। ये लोग उस धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक वॉर बॉय मिला, जो उन्हें यहाँ के सिटाडेल यानी यहाँ के किले तक ले गया। किले में इमोर्टल जोए की हुकूमत चलती थी। उसके पास पानी था, वो यहाँ खाना उगाता था और यही खाना वो अपने सोल्जर्स को दिया करता था। उसने अपने सोल्जर्स को ऐसा गाइड किया हुआ था कि वो उसके लिए मरने को भी तैयार थे। ये बाइकर्स जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, वो इमोर्टल जोए से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कॉपरेट ना किया और हमें चीजें ना दी तो हम तुम्हारे साथ जंग कर लेंगे। लीडर की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इमोर्टल जोए अपने एक वॉर बॉय को मरने को कहता है और बाइकर्स के लीडर को ये प्रूफ कर देता है कि तुम लोग चाहे जितने भी ताकतवर हो, मेरी फौज के आगे कुछ भी नहीं, ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार है। उसकी बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी यहाँ उसके लोगों ने इन सभी बाइकर्स के बाइक को लटकी हुई चैन से उठा लिया। बाइकर्स के पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने के। वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो बाइकर्स का लीडर देखता है कि फ्रियोसा अपने जेल से गिरकर वहाँ एक खड्डे में फंस गई है। अपनी जान भी खेल कर वो फ्रियोसा की जान बचाता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में इन्हें एक और किला नजर आता है। इस किले का नाम था गैस टाउन। यहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता था, इसके जरिए ही इमोर्टल जॉय के वेपन्स और व्हीकल्स चलते थे। बाइकर्स का लीडर इस किले के ऊपर कब्जा करने का प्लान करता है ताकि यहाँ के ऑयल की वजह से वो इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन मसला ये था कि यहाँ की भी सिक्योरिटी काफी सख्त, जिसे चकमा देने के लिए वो अपने काफी सारे लोगों को वॉर बॉयज में बदल देता है और गैस टाउन के गेट तक पहुँचता है। ये लोग उनके लिए गैस टाउन का जब गेट ही खोलते तो बाइकर्स का लीडर अपने ही भेस बदले हुए लोगों को मार देता है, उन लोगों को ये बावर कराने के लिए कि इन्होंने इमोर्टल जॉय के किले के ऊपर कब्जा कर लिया और उनके लोग अब उसके गुलाम हैं। ये देखते हुए गैस टाउन वालों ने भी उसके लिए ये दरवाजे खोल दिए। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले बाइकर्स का लीडर यानी डेमेंटस इस टाउन के लीडर की फिंगर्स काट कर इमोर्टल जॉय को भेजता है, जो देखकर इमोर्टल जॉय जान गया कि अब आहिस्ता आहिस्ता डेमेंटस के हाथ पावर आ रही है। उसकी सारी की सारी पावर उस ऑयल की वजह से है जिसके ऊपर अब डेमेंटस ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो डेमेंटस को मीटिंग का पैगाम भिजवाता है। डेमेंटस और चाहता ही क्या था, उसे तो खुद बेसिक सप्लाईज चाहिए थी जो इमोर्टल जॉय के पास थी, जिसकी डील करने के लिए वो गैस टाउन के लीडर को लेकर उसके सामने आ जाता है। गैस टाउन का लीडर इमोर्टल जॉय का भाई था और काफी बीमार भी। उसके बॉडी के कई फंक्शंस उसके जिस्म पे लगी मशीन्स के जरिए होते थे। डेमेंटस इमोर्टल जॉय को ब्लैकमेल करने के लिए उसके भाई को इसी मशीन के जरिए पहले टॉर्चर करता है और फिर जान से ही मार डालता है। जिसके बाद उसने इमोर्टल जॉय से कहा, मैंने पूरे गैस टाउन के अंदर बॉम्ब लगा दिए हैं, जिन बॉम्ब्स को एक्टिवेट या डिसेबल करने का तरीका सिर्फ मुझे ही पता है। अगर तो तुम अपने गैस टाउन को बचाना चाहते हो तो सीधी तरह मुझे गैस टाउन का लीडर बना दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ तुम्हारा गैस टाउन भी नहीं रहेगा। वो जब ये बात कर रहा था तो इमोर्टल जॉय की नजर फ्रियोसा पे थी। इमोर्टल जॉय कहता है, ठीक है, मैं गैस टाउन तुम्हारे नाप कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्रियोसा इमोर्टल जॉय की बात करते हुए कहती है, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मेरी मॉम को मारकर मुझे किडनैप किया है। फ्रियोसा की इस बात से डेमेंटस को भी गुस्सा आ गया। वो उसके हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और उसे इम्पोर्टेंट जॉय के हवाले करके यहाँ से चला जाता है। फ्रियोसा को अब ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर इम्पोर्टेंट जॉय की बहुत सी बीवियाँ रहती थी। फ्रियोसा भी अब इनकी तरह ही इम्पोर्टेंट जॉय की एक बीवी बनकर उसके हरम में रहने वाली थी। ये सारी की सारी औरतें बहुत अच्छी थी, वो फ्रियोसा के साथ अच्छा सलूक भी करती हैं, लेकिन फ्रियोसा सिर्फ इसी चीज पे फोकस करती है कि कैसे इम्पोर्टेंट जॉय
इन सभी लड़कियों को अपने साथ रखने पर फोर्स करता है। इधर वो देखती है कि जब इमोर्टन जॉय की एक बेटी पैदा होती है तो गुस्से में वो अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का ऑर्डर दे देता है। उसे सिर्फ बेटे चाहिए थे, ऐसा नहीं था कि उसके पास बेटे नहीं थे, उसके बहुत से बेटे थे, लेकिन उसकी नजर में कोई एक भी हेल्दी नहीं था, इसीलिए उसने इन सबको वॉर बॉय के तौर पर रख लिया। उसने इतनी सारी बीवियां भी इसीलिए रखी हुई थी कि एक दिन तो उसका हेल्दी बेटा पैदा होगा जो उसकी तरह फिर उसके इस सिटा दिल पर। दोस्तों आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हुकूमत करेगा। हम देखते हैं कि मोर्टन जॉय के एक बेटी की नजर यहाँ फिरोसा के ऊपर पड़ जाती है। वो उसे बालों से पकड़ कर जब उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है तो फिरोसा इस मरतबा तो अपने बाल छुड़ा कर भाग जाती है, लेकिन अगली मरतबा वो अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती थी कि ये लड़का उसे दोबारा तंग करेगा, इसीलिए उसने अपने सारे बालों को उतार कर नेट और वैक्स के जरिए एक विक बना ली। इस टाइम हम देखते हैं कि उसके पास उसकी मोम का दिया पीच सीड भी था जो उसने आज तक संभाल के रखा था। अगली मरतबा जब दोबारा वो लड़का फिरोसा को तंग करने के लिए आया और उसने उसके बाल पकड़े तो फिरोसा अपने विक को उसके हाथों में छोड़कर वहां से भाग गई। वो लड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन दरमियान में उसे अपना ही भाई मिल जाता है जो उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था, वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फिरोसा की विक भी वहाँ फेंक चुका था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके डैड उसे देखकर उसको सजा न सुना दे। खैर वो यहाँ फिरोसा को ढूंढने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन फिरोसा मिलती नहीं क्योंकि वो यहाँ अपने आप को एक लड़के की तरह बना चुकी थी। ऐसे उसने अपनी इज्जत भी बचा ली और उसे सिटाडेल के अंदर काम भी मिल गया। उछलने कूदने में तो वो बहुत तेज थी, इसीलिए उसे काम भी आ गया था इमोर्टन जॉय की बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर चेन्स को फिट करने का। वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि 15 साल बाद अब फिरोसा बड़ी हो चुकी है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाया कि वो लड़की है, वो भी इसलिए क्योंकि आज तक फिरोसा ने गूंगा बनने का नाटक किया और साथ ही इमोर्टन जॉय के वो सारे रिचुअल्स पूरे किए जिसके जरिए उसे यकीन आ गया कि फिरोसा भी उसके लिए लॉयल है। इस मरतबा इमोर्टन जॉय इन्हें एक बड़ी सी ड्रिल बनाने का काम देता है जो कि किसी भी चीज को आसानी से तबाह कर सकती थी। ये लोग ऐसी ही एक मशीन बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं जिसे ये लोग एक ट्रक के साथ अटैच करके जैसे ही उसे पहली टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो इसके ऊपर डिमेंटस के लोग हमला कर देते हैं। डिमेंटस के लोग पैराशूट्स के जरिए इस मशीन पर और वॉर बॉयज के ऊपर बॉम्ब से हमला करते हैं। जैक जो कि इस ट्रक को ड्राइव कर रहा था वो ये ट्रक रोकता नहीं बल्कि चलाता रहता है। डिमेंटस के लोग इस ट्रक के ऊपर भी हमला कर देते हैं जिसकी वजह से इस ट्रक में एक मेजर फॉल्ट आ चुका था। इस वक्त फिरोसा बहादुरी दिखाती है और चलते ट्रक के नीचे जाकर उस फॉल्ट को ठीक करने की कोशिश करती है ताकि जैक इस ट्रक को तेजी से यहाँ से भगाकर ले जा सके। पर उसकी ये कोशिश नाकाम करने के लिए डिमेंटस का एक आदमी भी ट्रक के नीचे आ गया। वो ट्रक के नीचे एक बॉम्ब प्लेस कर रहा था। फिरोसा न सिर्फ उसे लड़ती है बल्कि उसे मार कर गिराते हुए वो उसका बॉम्ब भी अपने ट्रक से डालने पर कामयाब हो चुकी थी। इसके बाद वो ट्रक का फॉल्ट ठीक करते हुए ट्रक के अंदर भी आ गई। ट्रक के बाहर की तरफ डिमेंटस के बाइकर अभी भी वॉर बॉयज को मार रहे थे और जब वॉर बॉय डिमेंटस के छोटे से ट्रक पर हमला करता है तो उस ट्रक का एक्सीडेंट होकर वो ट्रक लेग ट्रक से टकरा गया जिसकी वजह से फिरोसा को झटका लगा और उसके सर पे लगी हैट उतर गई। उसके उड़ते हुए बाल देखकर जैक के सामने उसका राज खुल गया कि वो एक लड़की है। ये लोग अभी अपनी जंग के ऊपर ध्यान देते हैं और फिरोसा तीर से हमला करते हुए उड़ने वाले बाइकर्स को मारने में कामयाब हो जाती है। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसने जैक को गन पॉइंट पे ले लिया क्योंकि वो जानती थी कि जैक अब उसके लिए मसला खड़ा कर देगा। लेकिन यहाँ जैक उसे कहता है तुम एक अच्छी वॉरियर हो और मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेंडर कौन सा है। हमें काम दिया गया है इस रिक को कंट्रोल करने का और मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीम मेंबर की तरह इसमें मेरा साथ दो। फिरोसा मान जाती है और ये लोग इसी रिक ट्रक को लेकर गैस टाउन के अंदर पहुँचते हैं जहाँ काफी सालों बाद डिमेंटस फिरोसा को दिख रहा था, लेकिन अब वो काफी बड़ी हो चुकी थी इसीलिए डिमेंटस ने उसे पहचाना नहीं। पता चलता है कि डिमेंटस के पास ऑयल की सप्लाई खत्म हो गई है जिसके बदले में वो दूसरी सप्लाई इमोर्टन जॉय से लेता था। वो यहाँ जैक से कहता है कि मेरी किसी तरह इमोर्टन जॉय से मीटिंग करवा दो। जैक मान जाता है लेकिन वो बिना ऑयल इन्हें कोई सप्लाई देने को तैयार नहीं था, इसीलिए ये सारे बाइकर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और सारा फूड चुराने लग जाते हैं जिसे बचाने के लिए फिरोसा अपना ट्रक लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और जैक उन लोगों को मारने लग जाता है जो उनके ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। खैर ये लोग अब बचते बचाते वापिस अपने सिटाडेल में पहुंच जाते हैं और इमोर्टन जॉय को डिमेंटस से मिलने का पैगाम दे देते हैं। इस सारी लड़ाई में फिरोसा को एक तीर भी लग चुका था। जैक उस तीर को उसके कंधे से बाहर निकालता है और फिर उसे स्टिचेस लगाता है। बातों ही बातों में ये लोग बहुत करीब आ गए। जैक ने उसे पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स की कैसे डेथ हुई थी। फिरोसा ने बताया
तरीके उसे ये बाइकर से किडनैप करके यहाँ छोड़ गए थे। फ्यूरियोसा यहाँ पर उसे वो पीच सीट भी दिखाती है जो उसकी मोम ने उसे दिया था, जिसके बाद वो उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ पर ग्रीन प्लेस जाने तक का नक्शा बना था। उसे आज भी उम्मीद थी कि वो वहाँ जा सकेगी। जैक कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुँचा दूँ। और फ्यूरियोसा कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। यहाँ पर इन्हें इमोर्टल जॉय का मैसेज मिलता है कि वो डिमेंटस से मीटिंग के लिए जा रहा है और इन्हें भी अपनी पूरी फोर्स तैयार करके उसके पीछे जाना होगा। जैक इस मर्तबा उसे रिग में नहीं बिठाता बल्कि एक अलहदा ट्रक चलाने का काम देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो सबको चकमा देते हुए इसी ट्रक के जरिए ग्रीन प्लेस तक पहुंच जाएंगे। ये लोग जैसे ही गेस्ट टाउन पहुंचते हैं तो एक ट्रक पहले ही गेस्ट टाउन के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जबकि फ्यूरियोसा यहीं से अपना मुंह मोड़ लेती है। वो अब इंतजार कर रही थी कि जैक भी उसके साथ आएगा, लेकिन जैक ने उसके साथ आने के बदले हवा में एक ग्रीन स्मोक छोड़ा, जिसका मतलब था वो यहाँ जंग करने के लिए वॉर बॉयज को बुला रहा था। ये देखकर फ्यूरियोसा नाराज हो गई और अकेले ही वहाँ से निकल गई। इससे पहले कि वो ग्रीन प्लेस तक पहुंच जाती उसके पास मौका भी था, लेकिन वो नहीं गई। उसके दिल में जैक का ख्याल आया जो वहाँ अकेले जंग लड़ रहा था, इसीलिए वो जैक की मदद करने के लिए वापस गैस टाउन में आ जाती है और अपनी स्नाइपर उठाकर यहाँ सबको शूट करना शुरू कर देती है। उसी की गोली डिमेंटस को भी छूकर गुजरी। जैक अपने रिग से गैस टाउन का गेट तोड़ते हुए उसके अंदर चला जाता है और इसी रिग के ऊपर लगी हुई ड्रिल को चलाकर वो अब यहाँ का सारा स्ट्रक्चर तोड़ने लग चुका था। ऐसा करते हुए बाइकर्स भी उसे रोकने के लिए उस पर हमला करते हैं और इस सब में उसका रिग टूट कर वो खुद एक गड्ढे में गिर जाता है। ठीक टाइम पर फ्यूरियोसा यहाँ एंट्री करती है और एक बाइक से चेन लटकाते हुए उसे यहाँ से बचा निकालती है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे ट्रक में बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इन लोगों का इरादा था कि ये लोग यहाँ से भागकर ग्रीन प्लेस निकल जाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि डिमेंटस उनके पीछे पीछे था। डिमेंटस का ट्रक जैसे ही फ्यूरियोसा के ट्रक के साथ जुड़ता है तो फ्यूरियोसा उस ट्रक के ऊपर हमला करने के लिए अपनी गन बाहर निकालती है और इस सब में उसका हाथ दोनों ट्रक्स के दरमियान आ जाता है। ये वही हाथ है जिसके ऊपर उसने मैप बनाया हुआ था। ये लोग अब डिमेंटस के हाथ आ चुके थे। इन दोनों को डिमेंटस ने बंदी बना लिया था। एकदम से इन लोगों के इर्द गिर्द बाइक्स घूमना शुरू हो जाते हैं। जैक को ये लोग एक बाइक से बांधकर गोल दायरों में घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो हर गुजरते सेकंड अपनी मौत के करीब जा रहा था, जबकि फ्यूरियोसा को तो उन्होंने जंजीरों से बांध दिया था। इन लोगों के इर्द गिर्द भी बाइक्स तेजी से घूम रहे थे और डिमेंटल्स ये सब देखकर एंटरटेन हो रहा था। जब वो इस सारी चीजों से बोर हो जाता है तो पीछे मुड़कर फ्यूरियोसा को देखता है जो अब अपना कटा हुआ बाजू छोड़कर वहाँ से। दोस्तों, आपको हमारी मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हार चुकी थी गुस्से में डिमेंटस उसका पीछा करने के लिए जब अपने ट्रक में बैठकर आगे बढ़ता है तो उसे पता चला कि उसके ट्रक का टायर भी फ्यूरियोसा उतार चुकी थी, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। फ्यूरियोसा जिस बाइक के जरिए यहाँ से भाग रही थी, थोड़ी दूर जाने पर उस बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ऐसे फ्यूरियोसा को अपना आगे का सफर पैदल तय करना पड़ा। उसका बाजू बुरी तरह जख्मी था, खून निकल रहा था, ऊपर से इस एरा में तपती धूप थी, जिस सब के चलते वो यहाँ बेहोश हो गई। उसकी खुशकिस्मती कि यहाँ पर उसे सिटाडेल के वॉर बॉय ने देख लिया जो उसे वापस सिटाडेल ले आया। यहाँ पर उसका इलाज हुआ और जब उसे होश आया तो उसे पागलों की तरह इमोर्टन जॉय से मिलने की बात की। उसे जब इमोर्टन जॉय के पास ले जाया गया तो वो इमोर्टन जॉय को बताती है कि डिमेंटस जल्द ही उनके ऊपर वार करने के लिए आ रहा है। उसने गैस टाउन को भी तबाह करने का प्लान किया है और अब वो सिटाडेल को हथियाना चाहता है। इस सब के लिए इमोर्टन जॉय प्लान करता है कि वो लोग उसके गैस टाउन को तबाह करने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी इससे पहले कि डिमेंटस सिटाडेल पर हमला करे ये लोग जाकर गैस टाउन पे हमला करने वाले थे। ये लोग जैसे ही गैस टाउन के करीब पहुँचते हैं तो डिमेंटस भी इन्हें देखकर जंग का ऐलान कर देता है। सिटाडेल और गैस टाउन के दरमियान में इन दोनों पार्टीज के दरमियान जंग शुरू हो जाते हैं जो हफ्तों चली। दोनों टीम्स के लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते रहे और इस सब के दौरान फ्यूरियोसा ने सिटाडेल में जाकर अपना एक मैकेनिकल आर्म बना लिया और फिर एक खराब कार लिए वो दोबारा जंग के स्पॉट पे निकल गई। वहाँ जाकर वो देखती है कि मोर्टन जॉय के बेटे अपने व्हीकल्स और वेपन्स ठीक कर रहे थे, जहाँ से वो अपनी कार ठीक करने के लिए भी एक टायर ले लेती है। आगे जाने पर वो देखती है कि डिमेंटस और उसके बचे कुचे कुछ लोग यहाँ से बचकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिनकी नजर भी अब फ्यूरियोसा की कार पर पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग फ्यूरियोसा के ऊपर हमला करते, फ्यूरियोसा तेजी से कार चलाते हुए आती है और अपनी कार से इन सबको हिट करते हुए इस सैंग में ही धंसा देती है। उसने सबको तो मार दिया लेकिन डिमेंटस उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे दूर देखा तो एक बाइकर वहाँ से भाग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस ही था, लेकिन डिमेंटस की मौत अब करीब थी क्योंकि उसका बाइक भी खराब हो चुका था और अब फ्यूरियोसा भी उसके पास आ चुकी थी। यहाँ फ्यूरियोसा उसे एक ही बार में मार सकती थी,
लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो डिमेंटस को याद करवाना चाहती थी या फिर वो कौन है और वो डिमेंटस के पीछे ही क्यों पड़ी है। वो उसे टॉर्चर करती है इतना कि वो बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे होश आया तो फिर योसा ने उसे बताया, मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम 15 साल पहले किडनैप कर लाए थे और जिसकी आंखों के सामने तुमने उसकी माँ को मार डाला था। डिमेंटस को अभी भी सही तरह फिरियोसा की याद नहीं आई तो फिरियोसा उसके साथ चेन से बंधा उसका टेडी बियर काट लेते हैं और अब वो पहचान जाता है कि आखिर फिरियोसा कौन है। उसे माफी मांगता है और कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पूरी जगह पर हुकूमत कर सकते हैं, तुम बहुत बहादुर हो। उसकी ये बातें सुनकर फिरियोसा दोबारा उसका टेडी बियर जमीन पे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके सर पे गन पॉइंट कर चुकी थी। तब लोगों को लगा कि फिरियोसा ने उसे मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में फिरियोसा ने उसे जिंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर लगा दिया अपना पीच ट्री, जिसका बीज उसे उसकी मॉम ने दिया था। जमीन ने डिमेंटस के न्यूट्रिएंट्स यानी पावर चूस के एक बहुत बड़ा सा ट्री बना दिया और उसके ऊपर एक पीच भी उगाया, जो सब डिमेंटस अपनी आंखों से देख रहा था। ये बस उसका आखिरी वक्त चल रहा था, इसके बाद शायद वो मर जाता। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम फिरियोसा को देखते हैं, जो कि अपने ड्रिक के जरिए इमोर्टन जॉय की सभी बीवियों को उसकी कैद से सेफली निकालने में कामयाब हो जाती है। वो इन्हें रेस्क्यू करके ग्रीन प्लेस से लेकर जाते और उसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।